वेल हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब काफ़ी अच्छे से होंगे। तो फिर आज जो वीडियो मैं लेके आया हूं वो है हाउ टू चूज योर पीसी पार्ट और कंपोनेंट्स जब आप कोई पीसी को बिल्ड कर रहे हैं या असेंबल कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको तो इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होती, बट जो बिगनर्स हैं और जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पीसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको दिक्कत होती है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है, आप एक तरह समझ सकते हो, जो लोग को थोड़ा कम नॉलेज है बट वो चाहते हैं कि मैं खुद अपने पार्ट्स जो है पिक करूँ और खुद कोशिश करूँ अपने पीसी को बिल्ड करने की, ताकि मुझे कुछ सीखने को भी मिले। तो ये खासकर उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब नॉर्मली आप देखेंगे कि जब पीसी बनाते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पीसी को डेवलप करने के लिए, एक पीसी को बनाने के लिए, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स है यही डिसाइड करते हैं कि हमारा जो पीसी है वो किस लेवल का बनने वाला है, किस तरीके का किस लेवल का काम करने वाला है। तो ज़रूरी होता है एक पीसी को बिल्ड करने के लिए उसके कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अहम होते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और मेरा नाम है चंदन झा और आप इस वक्त देख रहे हैं झा टेक्नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो नॉर्मली देखेंगे तो तीन टाइप से मैं इसको डिवाइड करना चाहूँगा या तीन तरीके से मैं बात करना चाहूँगा आपको किस तरीके से कंपोनेंट्स को आपको सेलेक्ट करना है, परचेस करना है और कैसे बनाना है। उसमें से आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले ये सोचना है कि आपकी नीड्स क्या है और आपका बजट क्या है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके नीड्स के ऊपर और आपके बजट के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। अब नीड्स में आप देखेंगे तो ये है कि आप एक होम यूज के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, आपकी नीड्स ऐसी है कि आपको जो है छोटे मोटे काम करने हैं, घर में एक कंप्यूटर की जरूरत है जिसपे छोटा मोटा काम करना है, नॉर्मली थोड़ा बहुत जो है वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक नॉर्मल पीसी बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आपकी ये नीड है तो इस पीसी को हम बेसिक या नॉर्मल पीसी कह सकते हैं या होम पीसी कह सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम जो प्रोडक्ट परचेस करेंगे वो जो प्राइस रेंज है, जो बजट है, उसको डिसाइड करेंगे। एक नॉर्मल पीसी जो होता है नॉर्मली मेरे अकॉर्डिंगली जो है आजकल के मार्केट में, आजकल के टाइम में 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार 45 हज़ार तक जो है, 30 या 45 के बीच बीच में आपका बन जाता है। और फिर उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी में मैं डिवाइड करूंगा उसको कहेंगे मिड रेंज। मिड रेंज में ये है कि आप ये चाहते हो कि भाई मेरे पास पैसे जो है तकरीबन 70-80 हज़ार 85 हज़ार के आसपास मेरा बजट है और इस बजट में मैं एक ऐसा पीसी बनाने की सोच रहा हूँ जो मेरे मतलब नॉर्मल काम से थोड़ा ऊपर है, जिसपे थोड़ा बहुत मैं गेमिंग कर सकूँ, जिसपे थोड़ा बहुत मैं सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम कर सकूँ, एडिटिंग वगैरह का काम कर सकूँ, या थोड़े बहुत मतलब मिड रेंज के जो सीपीयूज कहते हैं उस टाइप का सीपीयू मैं परचेस करने की सोच रहा हूँ या बनाने की सोच रहा हूँ। तो उसमें आप आ सकते हो कि 80 या 85 तक मैक्सिमम आप जो है 65-70-85 तक का बजट लेके आप चल सकते हो। और जो थर्ड है वो आप ये सोच सकते हो कि भाई 1 लाख से ऊपर का मेरा बजट है और मेरी जो नीड है वो ऐसी नीड है कि मुझे काफ़ी मल्टीटास्क करना है, हाई एंड गेमिंग करनी है, मतलब हाई एंड गेमर की तरह जो है काफ़ी ज़्यादा गेमिंग करनी है मुझे, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करना है, जैसे वीडियो एडिटिंग्स वगैरह आप करना चाहते हो, कई सारे सॉफ्टवेयर पे जो है काम करना चाहते हो, जहाँ पे मतलब आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, एक टॉप क्लास का लेवल का आप जो है पीसी बिल्ड करने की सोचो, तो आपका जो बजट है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से ऊपर ही जाएगा, 1.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख के आसपास भी जा सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का हाई एंड पीसी बिल्ड करना चाहते हो। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस बात को आप पॉइंट कर लीजिए कि आपकी नीड्स क्या है और आपका बजट क्या है। नॉर्मल देखिए मैंने आपको अभी बताया कि एक बजट जो सीपीयू होता है या कंप्यूटर होता है वो मैंने बताया कि 30-35 हज़ार से लेकर 45 हज़ार तक आपको जो है बन जाता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यार मैं मार्केट में जाऊंगा और नॉर्मली इंडिया के अंदर मैं मार्केट में जाऊंगा, मुझे शॉपकीपर जो है ना 20 हज़ार रुपये में एक ठीक ठाक पीसी बना के दे देगा जो घर में इजीली काम करेगा, छोटे मोटे काम के लिए, होम यूज के लिए काफ़ी बेटर है। हाँ फ्रेंड्स मानता हूँ आपकी बात, हो सकता है कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे या किसी शॉप में जाएंगे तो वो आपको एक 20-22 या 25 हज़ार रुपये तक के रेंज में कंप्यूटर बना के दे देगा आपको नॉर्मल होम के यूज के लिए। बट आप ये देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप मान लीजिए आपको एक जो है मोबाइल परचेस करना है,
ठीक है, आपका बजट 10,000 रुपये। अब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई मेरे पास 10,000 रुपये है, मैं उस रेंज में मोबाइल परचेस करना चाहता हूँ। तो वो आपको एक मोबाइल देता है 10,000 का, जो कहता है कि भाई अभी अभी लॉन्च हुआ है, 3 महीने पहले लॉन्च हुआ है। और एक मोबाइल आपके सामने ये देता है कि भाई 8,000 का है, ये 8,500 का है और ये 3 साल पुराना मोबाइल है, तो ये आपको 2,000 रुपये सस्ते में मिल जाएगा। तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे परचेस करना? मैं तो समझदारी वाली बात यही समझूंगा कि भाई आप 10,000 वाला परचेस करोगे। रीजन क्यों? क्योंकि वो लेटेस्ट है, लेटेस्ट मार्केट में है, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आप 8,000 में परचेस करोगे वो काफ़ी ओल्ड है, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना आप कोई चीज़ परचेस कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो 2,000 रुपये सस्ता है, ठीक है। तो वो एक समझदारी वाला काम नहीं है। क्या पता 10,000 वाले में आपको ऐसे सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो अभी आपको नीड नहीं है, लेकिन इन फीचर आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ जाए। तो समझदारी वाली बात तो यही है कि चलो भाई 2,500 का नहीं देखना है और हमें वो वाला परचेस करना चाहिए मोबाइल। इसी तरीके से प्रोडक्ट जो है कंप्यूटर, उसमें भी यही है, समझ गए फ्रेंड्स। अब आप एक नॉर्मल पीसी जो मैं बताने वाला हूँ वो आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली मैंने आपको प्राइस रेंज और बजट बताया, ना कि आप खरीदना चाहते हो तो 20,000 का भी खरीद सकते हो। तो वो तो आपकी थिंकिंग है, वो आप सोच सकते हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ाते हैं और किस तरीके से पीसी को जो पार्ट्स होते हैं उसको किस तरीके से हमें खरीदना चाहिए और कौन सा पार्ट पहले लेना चाहिए वो देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो आ जाता है, सबसे पहला पार्ट जो आ जाता है वो आ जाता है प्रोसेसर। हमेशा हमेशा आप कोई भी पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रोसेसर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रोसेसर एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जैसे कि आप कहते हो कि ब्रेन है। और अगर ब्रेन तेज है तो पूरा शरीर जो है, बॉडी आपका, उसी तरीके से आपको फॉलो करेगा, उसी तरीके का काम करेगा। अगर आपका ब्रेन कमजोर है तो शरीर चाहे कितना भी ताकतवर हो कुछ है, क्योंकि ब्रेन के सामने सब कुछ फेल है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि प्रोसेसर जो है उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का, आपका जो कंप्यूटर है वो आपको वर्क देगा, किस टाइप का आपका परफॉर्मेंस देगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर में आप देखेंगे तो मैं आपने बताया कि भाई 3 टाइप के कैटेगरी में लाऊंगा इसको। तो इसमें जो है मैं आपको बोलूंगा कि भाई अगर आप नॉर्मल रेंज का एक होम के परचेस के लिए, होम यूज के लिए अगर कोई पीसी बिल्ड कर रहे हो तो उसके लिए प्रोसेसर में आप जा सकते हो, चाहे एएमडी में हो चाहे इंटेल में हो, दो ही ब्रांड है मार्केट में, तो उसमें से आप किसी एक में जा सकते हो। मान लो इंडिया के अंदर में, एक्चुअली क्या है कि इंडिया के अंदर में जो है वो इंटेल का बाय द वे बहुत क्रेज है। एएमडी, देखिए एएमडी काफ़ी अच्छे प्रोसेसर्स मार्केट में ला रहा है, काफ़ी बजट में ला रहा है, फिर भी पता नहीं इंडिया के अंदर जो है ना एएमडी को उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा जितना इंटेल को मिल रहा है। रीज़न इसका ये मतलब है कि एएमडी जो है अभी अभी, मतलब कुछ ही साल हुए हैं उसको मार्केट में आए, जबकि इंटेल जो है, सॉरी एएमडी जो है कुछ ही साल हुए हैं मार्केट में आए हुए, बट इंटेल जो है काफ़ी टाइम से जो है मार्केट में है और इंडिया के अंदर उसकी काफ़ी अच्छी खासी पकड़ है। तो लोगों का विश्वास जो है ना अब भी जो है पूरी तरह से इंटेल के ऊपर है। फिर भी अब कुछ लोग हैं, जो काफ़ी लोग हैं जो एएमडी के तरफ भी जा रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि भाई एएमडी में काफ़ी अच्छे प्रोसेसर है और काफ़ी कम रेंज में है। तो मैं इसमें जो है ना इंटेल का ही लेना चाहता हूँ कि भाई इंटेल में अगर जाते हो आप तो इंटेल के जो लेटेस्ट जनरेशन में है, जैसे कि 8th जनरेशन जो है इनका, 8th जनरेशन के प्रोसेसर में कोई भी एक i3 का प्रोसेसर जो है 8th जनरेशन में से आप परचेस कर सकते हो, इजिली बजट में आ जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। इस तरीके से अगर मिड रेंज में आप देखना चाहते हो तो मिड रेंज के अंदर में जो है आप इंटेल के 8th जनरेशन में से, जो क्योंकि लेटेस्ट 8th जनरेशन है तो उसमें से जो है ना 8th जनरेशन में कोई भी i5 प्रोसेसर जो है आप ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से आप जो हाई एंड में जाना चाहते हो तो हाई एंड में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इंटेल का कोई भी जो है आप 8th जनरेशन का जो है आपका i7 में जा सकते हो आप, जैसे कि मान लीजिए 8700K या 8700, तो हाई एंड में जाना अगर चाहते हो तो वो, तो ये प्रोसेसर जो है आप i3, i5 और i7 लेटेस्ट जनरेशन, जो 8th जनरेशन चल रहा है तो 8th जनरेशन में या स्लाइटली नीचे 7th जनरेशन में भी जा सकते हो अगर थोड़ा सा बजट में ऊपर नीचे अगर करना चाहते हो आप तो, ठीक है फ्रेंड। तो इस पहला जो हमारा कंपोनेंट्स है, पार्ट है, वो प्रोसेसर है। इसके बाद आ जाता है जो सेकंड पार्ट है, कंपोनेंट है, वो आ जाता है नॉर्मली इसमें, यहाँ पे 2 कैटेगरी है, या तो आप रैम को ले सकते हो या फिर मदरबोर्ड को ले सकते हो। तो हम पहले जो है ना मदरबोर्ड के लेते हैं। तो मदरबोर्ड में आप जो है कहते हैं नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए अगर आप चाहते हो तो नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे भी आप मदरबोर्ड का जब आप डिसाइड करते हो ना फ्रेंड, तो एक चीज़ का ध्यान में रखिए कि मदरबोर्ड में जो है ना फॉर्म फैक्टर काफ़ी मायने रखता है,
ठीक है फ्रेंड्स। अब फॉर्म फैक्टर क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि ये जो है आगे आने वाले जो अदर पार्ट्स है उसके लिए भी जो है सोचना पहले पड़ता है, क्योंकि मदरबोर्ड का जो फॉर्म फैक्टर है वो आपका डिपेंड करता है कि आप चेजिस जो आप केज लेंगे उस पर कंपेटेबल है कि नहीं है। इसलिए जब आप मदरबोर्ड परचेस कर रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई हम जो है बाद में जाके हम कौन सा केज लेने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली मदरबोर्ड सर, क्योंकि मदरबोर्ड में देखिए एक M80X आता है, ठीक है फ्रेंड्स, एक ATX आता है और एक E80X आता है, एक और फॉर्म फैक्टर्स आते हैं। तो आपको डिपेंड करना है कि आपको ये सोचना है कि कौन से फॉर्म फैक्टर में मुझे जाना है, M80X में जाना है या ATX में जाना है या फिर E80X में आ जाता है, ठीक है। माइक्रो ATX कहते हैं, M80X माइक्रो ATX आ जाता है, ATX जो है फुल आपका जो ATX आता है वो, एंड E80X एक्सटेंडेड जो है वर्जन आ जाता है, थोड़ा सा बड़े साइज का होता है ATX से, तो वो उसमें जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कौन सा, आप नॉर्मल जो अगर घर के लिए लेना चाहते हो नॉर्मल बेसिक पीसी के लिए तो M80X में जा सकते हो, अदरवाइज आप ATX फॉर्म फैक्टर में भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, उसमें भी सस्ते रेंज में आपको जो है बजट में एक मदरबोर्ड आ जाता है। फिर आप थोड़े हायर कैटेगरी में जा सकते हो अगर मिड रेंज में जाना चाहते हो, और अगर हाई एंड में जाना चाहते हो तो ATX और E80X में फॉर्म फैक्टर्स में से ले सकते हो। आप वो डिसाइड कर लो कि कौन सा जो है मदरबोर्ड आपके बजट में आ रहा है, आपके नीड के अकॉर्डिंगली आपके बजट में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, वो आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दूसरा कंपोनेंट ये हो गया आपका। उसके बाद आप ये देखिए कि आपको रैम लेना है, थर्ड पार्ट जो आ जाता है वो है रैम आ जाता है। अब रैम में आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपकी नीड क्या है, तो नीड के अकॉर्डिंगली आप, जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूं कि भाई अगर होम यूज के लिए नॉर्मल पीसी के लिए लेना चाहते हो आप, तो मैं ये कहूंगा कि 4GB जो है काफी है, इसके अंदर जो 4GB रैम है वो काफी ज्यादा हो जाता है, तो 4GB जो है नॉर्मल पीसी के लिए काफी है। अगर मिड रेंज का पीसी बना रहे हो आप, जो कि मैंने आपको बताया कि 70,000-80,000-85,000 तक के बजट में थोड़ा मिड रेंज के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, तो मैं ये कहूंगा कि 8GB इज इनफ, 8GB की रैम जो है वो इनफ होता है आपका। और अगर हाई एंड में जाना चाहते हो तो हाई एंड में 16GB इज इनफ, आज के डेट में 16GB काफ़ी है, कुछ लोग तो 32GB तक भी चले जाते हैं, बट मेरे को ये लगता है कि नहीं, 16GB जो है काफ़ी होता है, आप 32GB में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इन केस जरूरत पड़ती है तो फिर आप जो है दूसरे जो पोर्ट्स हैं उसको आप फिलअप कर सकते हो, आगे यूज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो रैम जो है, रैम में आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आपकी नीड कितनी की, 4GB की है, 8GB की है या 16GB की है, बेसिक मिड और हाई एंड के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो फोर्थ पार्ट आ जाता है वो आ जाता है आपका कूलर, ठीक है, सीपीयू कूलर। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि सीपीयू कूलर में जो है आप जो नॉर्मल यूज के लिए लेते हो तो उसके लिए आपको आफ्टर मार्केट सीपीयू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल यूज के लिए जो प्रोसेसर के साथ में जो आपका स्टॉक कूलर आता है वो काम करता है इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आती नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए, नॉर्मल काम के लिए, तो उसमें आपको कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको कूलर चाहिए तो 1500-2200 तक के रेंज में जो है आफ्टर मार्केट सस्ता सा भी एक कूलर लेके आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंगली जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें आपको। बट मिड रेंज में अगर आप जाना चाहते हो तो मिड रेंज में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक एयर कूलर परचेस कर लीजिए। एयर कूलर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो है आपकी नीड जो है मिड रेंज की है, थोड़ा बहुत गेमिंग करोगे आप, थोड़ा बहुत अदर टास्क वगैरह करोगे, मतलब मिड रेंज कैपेसिटी जो है उसके अकॉर्डिंगली एक एयर कूलर बेस्ट है, उसके लिए आपको लिक्विड कूलर में बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। बट आप अगर जाना चाहते हो तो कोई इशू नहीं, जा सकते हो, बट बजट के अकॉर्डिंगली, नीड के अकॉर्डिंगली एक एयर कूलर जो है 70,000-80,000 के पीसी के लिए जो है एक एयर कूलर इनफ होता है। आप कोई भी 3,000-4,000-5,000 रुपए तक मैक्सिमम जो है एक एयर कूलर उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि मिड रेंज की परफॉर्मेंस के लिए एयर कूलर इनफ। बट अगर हाई एंड में जाना चाहते हो, जो कि 1,00,000 रुपए से ऊपर का मैंने आपको बताया कि बजट का, अगर आपको पीसी बनाना है, हाई एंड गेमिंग करनी है, हाई कैपेसिटी के सॉफ्टवेयर्स को लोड करना है या काम करने हैं, कई सारे मल्टीटास्क एक साथ में करने हैं, तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप लिक्विड कूलर में जाइए। क्लोज लूप लिक्विड कूलर जो मार्केट में आते हैं, जैसे कि अदर कंपनीज है, कोर्सर वगैरह हो गया, कूलर मास्टर्स हो गए, इनके आप जो है आप टू फैन वाले जो आपका कूलर्स आते हैं वो ले सकते हैं, या थ्री फैन वाले जो कूलर्स आते हैं जिनका रेडिएटर 360mm का रेडिएटर विद थ्री फैन के साथ आता है, 280mm के रेडिएटर विद दो फैन के साथ में आते हैं, तो इस टाइप के लिक्विड कूलर आप इंस्टॉल कर सकते हो। बट कूलर लेते वक्त भी आपको दूसरी एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि कूलर आप जब ले रहे हो तो इसको भी आप अपना जो केज आप जो परचेज करोगे, ठीक है, सीपीयू केज, तो उससे वो कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कर लीजिएगा कि भाई हम अगर एयर कूलर ले रहे हैं तो उसकी हाइट क्या है,
वो हाइट जो है डिस्टरबेंस तो नहीं पैदा करेगी इंस्टॉल करने के बाद, बगल के जो ढक्कन होते हैं सिर्फ वो केस का वो लग पाएगा कि नहीं, ब्लॉकेज तो नहीं होगा। या फिर लिक्विड कूलर में अगर जा रहे हो तो आपका जो रेडिएटर का साइज़ है वो आपको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो चीज़ आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जब आप कूलर लेते रहते हैं तब आप ध्यान दीजिए कि भाई कितने एमएम का रेडिएटर आपका ले रहे हो, और जब केस लेते रहते हो तो उस वक्त उस चीज़ को कंपैटिबिलिटी चेक कर लेना चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया फोर्थ पार्ट आपका प्रोसेसर, ठीक है, उसके बाद मदरबोर्ड, रैम एंड कूलर। अब आ जाते हैं हम ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर। तो ग्राफिक्स कार्ड में भी इस तरीके का है कि ग्राफिक्स कार्ड में भी जो है आप नॉर्मली देखोगे तो आपको जो है नॉर्मल काम के लिए जो है नॉर्मल बेसिक जो आपके कंप्यूटर्स है जो घर के यूज के लिए आप लेना चाहते हो उसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो प्रोसेसर है उसमें ही ग्राफिक्स इनबिल्ड आता है जो कि नॉर्मल कामों के लिए काफ़ी होता है। बट अगर मिड रेंज में अगर जाना चाहते हो आप तो मिड रेंज में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर एनवीडिया में जाते हो तो एनवीडिया का कोई भी 1050 जो है 80 ये क्या कहते हैं इनका जो अभी GTX 1050 आ रहा है या फिर 1060 आ रहा है या 1070 या TI ये वर्जन ले सकते हो मिड रेंज के अकॉर्डिंगली। और अगर टॉप एंड में जाना चाहते हो तो टॉप एंड में मैं आपको बोलूँगा कि भाई NVIDIA में अगर आप जाना चाहते हो तो 1080 में चले जाइए या 1080 TI में चले जाइए, या फिर अभी हाल फिलहाल में NVIDIA ने जो है RTX सीरीज भी लॉन्च करी है 2080 और 2080 Ti, 2070, इनमें भी जा सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाई एंड में इस तरीके से आप ग्राफिक्स कार्ड परचेस कर सकते हो, वो नीड देखिए आपकी क्या नीड है। उसके बाद जो पार्ट्स आ जाता है वो आ जाता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज में आप क्या लेना चाहते हो, तो देखिए नॉर्मल जो घर के यूज़ के लिए उसके लिए तो मैं आप हार्ड डिस्क ले सकते हो, कोई भी 7200 RPM वाले जो हार्ड डिस्क आते हैं वो ले सकते हो आप। स्टोरेज में आप अपनी देख लीजिए कि भाई कितना स्टोरेज आपको चाहिए, कि भाई 500 GB चाहिए या 1 TB चाहिए या 2 TB चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, आप चाहे बेसिक के लिए ले लीजिए, होम यूज के लिए लीजिए, या फिर मिड रेंज के लिए लीजिए, या हाई एंड के लिए लीजिए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप जो है ना जो अपना बूट ड्राइव होगा उसके लिए जो है ना आप एक SSD जरूर ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड, चाहे वो बेसिक का ही हो तो आप उसके लिए ना SSD प्लीज़ ले लीजिए। SSD मीन्स आप एक कोई सा भी जो है 128 GB का जो है एक SSD जरूर जो है बेसिक होम यूज़ के लिए भी जो कंप्यूटर में एक लगा लीजिए, भले आप जो है ना 500 GB का आप हार्ड डिस्क ले लीजिए उसके बदले। बट SSD से ये फ़ायदा है ना आपका कि आप बूट टाइमिंग तेज़ हो जाएगी, आप PC को जो है जितने प्रोग्राम्स इंस्टॉल करेंगे आप तो वो आपके बूट ड्राइव होगा SSD, तो उसमें जल्दी काफ़ी जल्दी लोड होगा आपका, काफ़ी जल्दी शट डाउन होंगे, काफ़ी फास्ट हो जाएगा PC एक SSD यूज करने से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चाहे होम यूज़ के लिए भी ले रहे हैं तो आप जो अपना बूट ड्राइव है वो आप एक SSD लेके उसमें इंस्टॉल कीजिए, वो वैल्यू फॉर मनी होगा आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मिड रेंज में जाना चाहते हैं तो 250 GB का आप एक NVMe SSD जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हाई एंड में जाना चाहते हैं तो 250 GB का आप डाल लीजिए एज ए बूट ड्राइव NVMe SSD और एक SSD एक्स्ट्रा में डाल लीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो SSD जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब आज की टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर को फास्ट कर देता है, इसलिए मैं SSD जरूर रिकमेंड करूँगा। एंड उसके साथ साथ में स्टोरेज के लिए अदर जो आपका स्पेस के स्टोरेज के लिए अदर हार्ड डिस्क वगैरह आप उसमें अपने अकॉर्डिंगली यूजेस के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है पावर सप्लाई आपका PSU या फिर SMPSB आप उसको कह सकते हो। PSU हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो जो केस होता है जब आप केस परचेस करने के लिए जाते हो तो इंडिया के अंदर अक्सर 1500 तक के जो रेंज के केसेस आते हैं उसमें अक्सर लगे हुए आते हैं। तो मैं कहता हूं कि उस टाइप का जो SMPS है वो बिल्कुल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, वो अदर पार्ट्स को भी खराब करने के चांसेस उसमें हो जाते हैं। तो मैं प्लीज़ आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उस SMPS को ना यूज करके जो आपके केस के साथ में आता है आप अलग से एक आफ्टर मार्केट जो है पावर सप्लाई यूनिट परचेस कीजिए। और बेसिक होम यूज के लिए मैं आपको कहूंगा कि 450 वाट से लेके 550 वाट जो का जो SMPS है या पावर सप्लाई यूनिट है वो आपका इनफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके जरूरत के अकॉर्डिंगली। उसके बाद अगर मिड रेंज में देखेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 650 वाट या 750 वाट का जो है आप एक
पावर सप्लाई यूनिट परचेस कर सकते हैं। और अगर हाई एंड में जाना चाहते हैं तो मिनिमम 850 वाट और उसके बाद आप 1000 वाट या 1200 वाट तक जा सकते हैं। 1200 वाट से ऊपर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ओवरकिल हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं। हाँ, ऐसे ये आपका पावर सप्लाई यूनिट जब परचेस करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि एक इंडिपेंडेंट कंपनीज होती है जो इनको रैंक देती है, ठीक है। एक रैंक आता है कि भाई आप सिल्वर में चले जाइए, सिल्वर सर्टिफाइड जो होते हैं उसमें आप जा सकते हैं। और अगर आप मिड रेंज में जाना चाहते हैं तो मिड रेंज के अंदर में जो है आप गोल्ड सर्टिफाइड आते हैं पावर सप्लाई, उसके अंदर आप जा सकते हैं। और अगर हाई एंड में जाना चाहते हैं तो हाई एंड में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है प्लैटिनम या टाइटेनियम सर्टिफाइड जो है पावर सप्लाई यूनिट में आप जा सकते हो। सर्टिफिकेशन जो है वो जरूरी होता है क्योंकि कितनी इफिशियंसी है पावर सप्लाई के अंदर वो इस सर्टिफिकेशन दर्शाता है कि कितना एफिशिएंसी का है ये पावर सप्लाई अपना। तो बेसिक होम यूज के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि 450 से 550 वाट विद सिल्वर सर्टिफाइड में चले जाइए आप। और अगर मिड रेंज में जाना चाहते हैं तो आप 650 से 750 वाट में जा सकते हैं गोल्ड सर्टिफाइड में। और अगर हाई एंड में जाना चाहते हो तो 850 से लेकर 1200 वाट तक में आपका प्लैटिनम या टाइटेनियम सर्टिफाइड में आप जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो पार्ट आता है वो आ जाता है आपका केस, ओके। तो केस में भी मैंने आपको जब आपका मदरबोर्ड का हमारे चल रहा था तो उस टाइम में बताया था कि आप डिपेंड करता है केस किस टाइप का आपने मदरबोर्ड भी परचेस किया। अगर आपने M80X लिया है, माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर में लिया है मदरबोर्ड, तो आप एक मिनी केस भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में आपका इजिली इंस्टॉल हो सकता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिनी केस ना लेके आप जो है एक अपना मिड टावर परचेस कर सकते हैं इजिली। 1500 से 2000 के रेंज में जो है आपको मिल जाएगा होम यूज के लिए, ठीक है। और मिड रेंज के लिए अगर जाना चाहते हैं आप तो आप 5000 से 7000 8000 तक के रेंज में जो है जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको साइड पैनल जो है वो आपका इसके अंदर टेम्परेट ग्लास भी आ जाते हैं आपको, और कूलिंग के लिए काफ़ी सारा स्पेस भी मिल जाता है आपको, ठीक है। और अगर हाई एंड में जाना चाहते हो तो हाई एंड में आपका 12-13 हज़ार 10 हज़ार से लेके जो है 15-16 हज़ार तक के रेंज में जो है आपको केज मिल जाएगा, जिसमें काफ़ी कुछ आपको मतलब कि RGB वगैरह मिल जाएंगे इसमें आपको, फिर टेम्परेट ग्लास भी काफ़ी मिल जाएंगे अगर टेम्परेट ग्लास में जाना चाहते हैं आप, ठीक है। फ़ैन भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे आपको, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप चूज करते हैं आपकी बजट क्या है उसके अकॉर्डिंगली। तो फ्रेंड्स ये जो पार्ट्स थे ये पार्ट्स थे सीरियल वाइज, ठीक है फ्रेंड्स। पहले आपको परचेस करना है प्रोसेसर अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली, उसके बाद मदरबोर्ड, उसके बाद आ जाता है आपका रैम, उसके बाद आ जाता है आपका CPU कूलर, उसके बाद आ जाता है आपका ग्राफिक्स कार्ड, फिर आ जाता है आपका स्टोरेज, उसके बाद आ जाता है आपका पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसमें एक्सटर्नल जो है आप DVD राइटर वगैरह कहते हैं तो वो जमाना काफ़ी पुराना हो गया फ्रेंड्स, आज के टाइम में कोई भी DVD राइटर यूज नहीं करता, सब बगैर DVD राइटर के ही चल जाता है काम। तो DVD राइटर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर आप लगाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप लगा सकते हो। तो ये कंपोनेंट्स थे फ्रेंड्स जो कि आपको इस तरीके से चूज करना है। सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो प्रोसेसर है, अपने बजट के अकॉर्डिंगली अपने नीड के अकॉर्डिंगली आप परचेज कीजिए। उसके बाद मदरबोर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद रैम है, रैम भी आपको अपने जरूरत के अकॉर्डिंगली देखना है कि 4GB लेना है या 8GB लेना है या 16GB लेना है, वो आप अपना बजट देख लीजिए और अपनी यूजेस देख लीजिए। उसके बाद आ जाता है आपका ग्राफिक्स कार्ड, फिर स्टोरेज, और स्टोरेज में मैंने आपको बताया ही कि भाई कम से कम 120GB का, चाहे अगर नॉर्मल भी आप अगर होम बिल्ड के लिए भी ले रहे हैं तो एक SSD जरूर परचेज कीजिए, ताकि वो आपके हर एक प्रोग्राम को सुपर फास्ट कर देता है, ठीक है। हार्ड डिस्क अगर परचेस करते हो तो वो काम अच्छा करता है बट स्लो होता है, PC उतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता जितना SSD होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे पार्ट्स थे फ्रेंड्स, और इसके साथ में मैं आपको यही रिकमेंडेशन करूँगा कि ये तो सारे पार्ट्स थे जो आपको पहले सोचने हैं कि क्या क्या कैसे कैसे लेना है, हमको किस बजट में लेना है, किस नीड के अकॉर्डिंगली लेना है। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई कंपोनेंट्स परचेस करने लगते हैं तब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड रैम, ये तीन चीज, खास करके ये तीन चीज, प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड रैम, ये तीनों एक दूसरे से कंपैटिबल है कि नहीं है, इस चीज का खास करके ध्यान रखिएगा। अब इसको किस तरीके से पता करेंगे, इसको इस तरीके से पता करेंगे, आप जब प्रोसेसर कोई भी परचेस करेंगे तो उसमें चिपसेट दिया रहता है कि भाई ये इस चिपसेट का प्रोसेसर है। तो जब आप मदरबोर्ड के साइड पे जाएंगे किसी कंपनी का परचेस करने के लिए या देखने के लिए, तो आपको बताएगा कि ये चिपसेट को सपोर्ट करता है, इंटेल के इस प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, ठीक है।
तो कंपैटिबिलिटी चेक कर लीजिएगा कि ये तीनों चीज़ आपस में एक दूसरे से कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर मदरबोर्ड के साइट पे जाएंगे तो साफ साफ मेंशन रहेगा कि ये मदरबोर्ड इस चिपसेट के लिए है और इंटेल के ब्रांड के लिए कि एएमडी के ब्रांड के लिए सपोर्ट करता है, वो बता देगा। ऐसे ही रैम के साइट, अगर रैम वगैरह परचेस करना चाहते हो तो रैम के साइट पर जाएंगे तो उस पर भी कंपैटिबिलिटी के बारे में लिखा हुआ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आप सर्च एक बार कर लीजिएगा और ये ज़रूरी है कि कंपैटिबल होना चाहिए। अगर कंपैटिबल नहीं होगा तो वो यूजलेस हो जाएगा आपका। कंपैटिबिलिटी के लिए मैं आपको एक बताऊं तो एक वेबसाइट है, पहले जब मैं स्टार्ट कर रहा था, बिगिनर था, तो उस टाइम जो है मैं एक साइट था पीसी पार्ट पिकर करके, उसको मैं आपको ये बताऊंगा कि उस साइट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको जब भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करते रहोगे तो नीचे वो आपको बता देगा कि भाई अगर कोई भी रॉन्ग पार्ट आपने सेलेक्ट किया है तो वो नीचे आपको बता देगा, वार्निंग दे देगा कि ये पार्ट इससे कंपैटिबल नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा साइट है, इस साइट पर जाके आप देख सकते हो। इसी टाइप के कई सारे और भी साइट आते हैं बट मैंने इसी साइट पे एक दो बार ट्राई किया है तो मुझे जो रिजल्ट है इसका काफ़ी अच्छा लगा। ये स्पॉन्सरशिप का नहीं है, बस ये तो मैं ट्राई करता था तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक ऐसा साइट है जिस पर आप कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो पार्ट्स को पिक करके कि भाई कौन सा कंपैटिबल है कौन सा नहीं है। तो ये एक अलग साइट हो गया। बाकी आप स्पेशली हर एक, जैसे कि आप किसी भी मदरबोर्ड के साइट पर जाओगे तो उस पर भी रहता है कि भाई ये मदरबोर्ड इस प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, या रैम के साइड पे जाओगे तो वो बता देगा कि इस मदरबोर्ड और इस प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। तो सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। और जिस तरीके का ये वीडियो था तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए, और आशा करता हूँ कि इसी टाइप के किसी और वीडियो में जो है दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, प्लीज़ नया चैनल है तो मेरे नए चैनल की आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।